किसान भाइयों नमस्कार। ग्राम नीत के चैनल में आप सभी का स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं ग्वार सीड और ग्वार गम की। आप सभी ग्वार की खेती करते होंगे। अमूमन सब्जी के रूप में बोई जाने वाली इस फसल की स्थानीय स्तर पर बिक्री कर मुनाफा भी कमाते होंगे, लेकिन अब ग्वार सीड और ग्वार गम पर और अधिक मुनाफा कमाने का मौका आपके पास है। नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज ने NCDX यानी उन्होंने गुआरेक्स नाम से एक वायदा कारोबार शुरू किया है। गुआरेक्स मूल्य आधारित भारत का पहला सूचकांक है जो ग्वार सीड और ग्वार गम रिफाइंड स्प्लिट्स जैसे प्रोडक्ट पर वायदा कारोबार करता है। सूचकांक में ग्वार सीड और ग्वार गम रिफाइंड स्प्लिट्स का भारांक 63.43% और 36.57% तय किया गया है। NCDEX गुआरेक्स इस कोशिश में है कि जल्दी ही यह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ग्वार कॉम्प्लेक्स के लिए एक बेंचमार्क के रूप में स्थापित हो। ग्वार का भाव 2022 में बढ़ने की उम्मीद है। बीकानेर और अमेरिका में ग्वार के भाव में तेजी रहेगी। वैसे भी अमेरिका ग्वार गम का सबसे बड़ा खरीदार है, तो आप ग्वार गम बेच करके डॉलर में कमाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, आप जानते हैं भारत दुनिया का सबसे बड़ा ग्वार उत्पादक देश है। दुनिया में कुल ग्वार उत्पादन का 80-85% हिस्सा यहीं पैदा होता है, जबकि घरेलू बाजार में 80% बाजार हिस्सेदारी राजस्थान प्रदेश की ही है। यहां देश में सबसे ज़्यादा ग्वार पैदा होता है। राजस्थान जैसे सूखे क्षेत्रों में ग्वार की खेती पशु चारे के लिए होती है। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी ग्वार की खेती होती है। भारत के अलावा पाकिस्तान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन और अफ्रीका में भी खूब ग्वार होता है। अमूमन भारत में ग्वार फली का इस्तेमाल सब्जी के रूप में ही होता है, लेकिन ग्वार की फली से तैयार ग्वार गम की डिमांड अब तेजी से बढ़ रही है। भारत और विदेश में इसकी भारी मांग है। ग्वार गम के आटे की बड़ी मात्रा में निर्यात होता है। 2020-21 में देश से विश्व में 1950 करोड़ यानी 262 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत पर करीब 23,48,000 मीट्रिक टन ग्वार गम का निर्यात किया गया। वायदा बाजार में ग्वार सीड की अमूमन 4,500 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर 5,000 रुपये प्रति क्विंटल पर कारोबार होता है। इसी तरह ग्वार गम का भाव 6,000 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर 6,500 रुपये प्रति क्विंटल तक रहता है। राजस्थान की मंडी में तो कई बार ग्वार का भाव 35,000 रुपये प्रति क्विंटल तक चला जाता है, लेकिन ये डिमांड पर ही निर्भर करता है। ग्वार की सूखी फली से प्राप्त बीजों में ग्वार गम तैयार होता है। ग्वार गम लेक्यूम पौधा सियोम्सिस टेट्राग्नोलोबा के बीज से एंडोस्पर्म से आता है। अमूमन ग्वार के बीज के छिलके के उतार कर उसको पीस कर और छान कर ग्वार गम बनाया जाता है। ग्वार गम से क्रीम, रंग, पाउडर और अन्य प्रोडक्ट बनते हैं। ग्वार गम एक उच्च आणविक भार वाला कार्बोहाइड्रेट बहुलक है। यह मैनोस और ग्लैक्टोज इकाई की बड़ी संख्या के एक साथ जुड़ने से बनता है। कच्चा ग्वार गम पाउडर 90% पानी में घुल जाता है। ग्वार गम एंडोस्पर्म से बना होता है। इसमें छोटी मात्रा में फाइबर और मिनरल के साथ मोनोग्लाइकोटोसिस के चिपचिपे पॉली समूह होते हैं। ग्वार गम आटे में लगभग 42% प्रोटीन होता है। ये आयल केक के बराबर होता है। ग्वार के बीज की खपत बड़े पैमाने पर पेट्रोलियम उद्योग में होती है। अमेरिका में चट्टानों से तेल और गैस निकालने के लिए फ्रैकिंग या हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग प्रक्रिया में ग्वार गम का उपयोग किया जाता है।
इसके अलावा कागज और कपड़ा उद्योग में इसका खूब इस्तेमाल होता है। गैस उद्योग सेल तेल सुविधाओं के अलावा ग्वार गम को भोजन, फार्मा, पेंट और अन्य कई औद्योगिक क्षेत्रों में भी इस्तेमाल होता है। किसान भाइयों, ग्वार वर्षा सिंचित फसल है। इसे जुलाई अगस्त महीने में बोया जाता है। अक्टूबर नवंबर में इसकी फसल तैयार हो जाती है। इसको हल्का गर्म मौसम तथा हल्की वर्षा के साथ काफी धूप की जरूरत होती है। फलीदार फसल होने के कारण ग्वार नाइट्रोजन में सुधार लाकर मिट्टी को उपजाऊ भी बनाता है। तो किसान भाइयों, ग्वार या सेम, जिसे आम भाषा में पूर्वी उत्तर प्रदेश में सेम भी कहते हैं, आप इसकी खेती कीजिए। ग्राम नीत इसी तरह की तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाता है। आपको अगर ग्राम नीत का यह चैनल पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखना ना भूलें। तो इंतज़ार कीजिए अगले प्रोग्राम का, जिसमें हम आपके लिए कुछ नई चीज़ें लेकर आएंगे। सादर नमस्कार।